हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ जहाँ क्या कह रहा है, कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो चलिए हल करते हैं इसका भी, लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब एक त्रिभुज पार लेते हैं, क्योंकि इसमें त्रिभुज आप पार के, तो देखिए कॉस ए दिया हुआ है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कॉस ए में देखिए थीटा, अगर ए रहा ये वाला, तो थीटा का नीचे वाला रहेगा जो आधार हो जाएगा, थीटा का सीक सामने वाला लंब, और ये समकोण डिग्री जो रहेगा कर्ण, कर्ण तो हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो ए बी इसका होगा, तो ए बी, ओ ए बी नहीं सॉरी, ए सी है ना, कोण सी इसमें समकोण है, तो लिख देंगे ए सी बराबर क्या, कर्ण कितना है, ए बी, ए बी कर देंगे। फिर कॉस बी बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला भी तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो इसमें कोण बी को हम थीटा मानेंगे, तो आधार इसका ये हो जाएगा बी सी, तो लिख देंगे आधार कितना है बी सी, और कर्ण क्या है ए बी, कर्ण तो दोनों का एक ही रहेगा, ए बी लिख देंगे। तो देखिए इधर ये दोनों बराबर है, नीचे वाला अगर किस, ये दोनों का हर बराबर है, दोनों का ये भी है, तो ये तो सिंपल है कि अंश भी बराबर रहेगा, तो हो गया ए बी बराबर ए सी, तो ए सी बराबर बी सी। और देखिए समकोण त्रिभुज का ये नियम है ना, कि अगर भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो दोनों ए सी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, तो ए और ये तो समकोण कोण है, और इसका तो ए सी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, तो ए कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा। तो लिख दीजिए ए सी का कोण कौन सा है, कोण ए, और सॉरी ए सी का सामने वाला कोण, कोण इसका ए सी का कोण बी होगा, और बी सी का कोण ए, तो ए सी का कोण कौन सा है बी, तो कोण बी और बी सी का कोण कोण ए, दोनों आपस में बराबर है। तो हमको सिद्ध करने क्या बोल रहा है, कोण ए बराबर कोण बी, तो ऐसे लिख देंगे एक स्टेप और आगे करके, कोण ए को इधर कर देंगे और कोण बी को उस तरफ लिख देंगे, सिद्ध हो चुका, या तो प्रूफ भी लिख दीजिए, सिद्ध हो चुका है, यही आंसर हो गया।